स्वसहायता समूह की महिलाओं ने घेरा मंत्री यशोधरा राजे को, कहा गौवंश को नहीं चारा, हर दिन हो रही मौत। शिवपुरी जिले में एक दिवसीय दौरे पर आए मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को स्वसहायता समूह तुलसी मैया की सदस्यों ने घेर लिया। उक्त महिलाएं बदरवास के ग्राम सुमेला में कृष्ण माधव गौशाला में गौवंश की देखभाल करती हैं, लेकिन गौवंश को चारा उपलब्ध ना हो पाने के कारण आए दिन उनकी मौत हो रही है। तो वहीं गौवंश की देखभाल करने वाले स्वसहायता समूह की महिलाओं को दी जाने वाली सहायता राशि भी नहीं मिली। इसी को लेकर मंगलवार को वो कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में अपनी समस्या लेकर आई थी, लेकिन पंचायत चुनाव की आचार संहिता के कारण जन सुनवाई नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर मंत्री राजे यहाँ आ गई और महिलाओं ने समस्या को उनके सामने रखा, जिस पर मंत्री ने उनकी समस्याओं को सुना और जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया। मेरा नाम सीमा ओझा। कहाँ से आए आप? ग्राम सुमेला से। कहाँ पड़ता है ये? बदरवास पास में पड़ता। क्या समस्या लेकर आते हैं आप? समस्या लेके आए सर, वो गौशाला बनी गई है तो पहले तो 30 सरपंच पे, फिर अब हमें समूह को दे दी, समूह पे आ गई। तो पहले समूह पे सो गए थी तो कुछ में से हमने बाड़े चलाने न खा ली थी तो भी कमजोर थी, कछु मर गई। सो हमारी 80 गाय हैं पशु, उसमें 80 है। अब सर अब हमारे देखो, पहले हम काम करने जाते हैं, वैसे हम गरीब व्यक्ति हैं, फिर हमें तो कोई मजदूरी तो अब 2-4 महीना से मिली भी नहीं है। हमारे जॉब कार्ड पूरे हो चुके और अब हमारे समूह पे दे दी, अब उसका हमारे चारे का व्यवस्था नहीं हो रहा है हमसे। अब 80 गाय का हम कहाँ से खवाएं? हमारे पास में कुछ नहीं है चराने के लिए, कछु हमने काट काट के चरा दिया, कुछ हमारे पास में पैसे थे, डिब्बा की बचत थी उसमें से खवा दी हमने। अब इससे कुछ का सरकार बंदोबस्त करे और नहीं उनको बंद करवाए, और नहीं उनका बंदोबस्त करे, और कोई मर जाए तो हमारे पे कोई आपत्ति नहीं है।